Welcome everybody to this very important session on, of course, the topic of the very tragic, very outrageous, very heartbreaking incident of rape of the late young lady from Hathras in UP. Okay, so I will speak in Hindi and English simultaneously. Alternately. I'm Pushpa. I'm a writer and worker in Bangalore. I work largely with gender and sexual minorities. I myself am one. I identify as asexual and gender fluid. I've been coming out publicly about my identity over the last couple of years in writing and speaking, but I have known my identity from teenage onwards. Okay, so welcome everybody who's here, and along with me, Lubna Ji, who's from Hyderabad. She's an economist, ecologist, and environmentalist, plus also a socio-political activist. We will be alternately moderating and asking questions. And also welcome to the others who will be sharing their views. A couple of other the potential speakers today have not yet joined for various reasons, but jinhone jo already hai hamare sath maujood, Lubna ji ke alawa Arundhati Dhuru hai, wo NAPM ke एक्टिविस्ट हैं और कई सारे मानव हक के विषय पे काम करती हैं, बेस्ड इन लखनऊ फॉर द लास्ट फॉर मेनी इयर्स. उसके पहले तो वो महाराष्ट्र में थे और नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक फ्रंटलाइन एक्टिविस्ट थे, और जो एथियली भी हैं. स्पेसिफिकली टू मेंशन couple of the people already in the call, wo survivor, sorry, the wo jo guzar gaye rape ke wajah se, unke khandan aur unke gaon ke logon se mil chuke hain last pichle kuch dinon mein, aur wo bhi apne experience ke bare mein baat karenge. तो अभी मैं पहले अरुंधति जी से बात पूछूंगी कि अरुंधति, आप अभी बहुत सालों से यूपी में हैं, एंड जब ये रेप या लैंगिक हिंसा, लैंगिक अत्याचार होते हैं, बहुत सारे बहुत जगह में कई कई होते हैं, होते रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर केस में हम यूपी सरकार सभी तरह की कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को, इस मामले को दबाएं, नहीं तो उसको झूठा साबित करें. और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे अरुंधति? ये मुझे लगता है कि कोई भी सरकार दबाती है एक्चुअली. कोई भी सरकार अपने राज्य में क्लेम नहीं करती कि हमारे यहाँ ये रेप हुआ है. वेदर खैरालन जी जब महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र ने भी ये किया, हरियाणा में भी आप देखेंगे गए कितने सालों में बहुत सारे रेप्स हुए हैं, तो उन्होंने भी मना किया. कोई भी सरकार दबाती है. सो आई विल नॉट से कि देयर इज अ गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड मैच्योर इनफ कि वो अपने राज्य में जो अपने प्रशासन में होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करे, उसके अकाउंटेबिलिटी ले ले. क्योंकि जब आप रेप कबूल करते हैं तो आप उसके लिए इन अ वे अकाउंटेबल होते हो, क्योंकि आपके गवर्नमेंट के, आपके नाक के नीचे जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर है तब ये होता है, एंड ऑल्सो द हाउ यू रिस्पॉन्ड. बट वॉट इज हैपन इन यूपी इज पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर केस एंड विच हैज हैपन आई थिंक इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ नॉट ओनली यूपी बट सिंस 1914
ऑफ सेंट्रल एंड मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो दक्षिणपंथी है या जिसको हम राइट विंग गवर्नमेंट्स कहते हैं, जो उनकी ट्रैजेक्टरी है मुझे लगता है, और खास करके यूपी में तो फिलहाल जो अजय बिस की सरकार है तो जो अपने आप को योगी बोलते हैं, सो आई डोंट क्लियरली लाइक टू यूज दैट वर्ड, अजय बिस एंड अजय बिस की जो सरकार है वो इसको तो दबाने के लिए रहेगी ही, क्योंकि वो अजय बिस वही है जो ये मानते हैं कि औरतों की जगह घर में ही है और वो एक तरह से शुद्र है, ये उनके पहले बयान है बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बनने के पहले, उनका लंबा सामाजिक पॉलिटिकल राजनीति का इतिहास है, तो वो मानते हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो ये करेंगे। जो मुझे लगता है इस केस में पर्टिकुलरली हुआ है, और कुछ केसेस में हम ये लगातार देख रहे हैं कि जो कास्ट एट्रोसिटीज जहाँ पे है वहाँ पे दिस इज हैपनिंग वेरी पर्टिकुलरली एंड वी नीड टू बी एक्सपोज एंड चैलेंज, जो मुझे लगता है बहुत है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो इस समय जो कार्ड खेला है, क्योंकि उनका ये बहुत क्लेम है कि उनके यहाँ तो राम राज्य है, राम मंदिर अभी बन रहा है पर राम राज्य ऑलरेडी आ चुका है, और राम राज्य जब आ चुका है जब वो गद्दी में बैठे हैं, और उसके पहले तो राम राज्य नहीं था कि एक समय तो दलितों की सरकार थी, उसके बाद यादवों की सरकार थी, तो उनके राम राज्य में तो कास्ट की कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो एक प्रकार से डिनायल है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने आपके स्टेटमेंट के ऊपर भी कहा था कि कास्ट को डिनाय करना और दूसरी तरफ उसी कास्ट का इस्तेमाल करके ये कहना कि देयर इज अ होल कॉन्स्पिरेसी टू ट्रिगर कास्ट रॉयट, बिकॉज राम राज्य में तो सब समान है, तो एक्चुअली समान हो, उनकी अनइक्वल ट्रीटमेंट हो, उनका पूरी तरीके से शोषण हो, ये रियलिटी कुछ भी हो, पर जब जिस समय आप सरकार ये कबूल करती है कि वो कास्ट एग्जिस्ट करती है, यंग दलित लड़की का रेप ग्रूसम मर्डर, उसके बाद की जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुई है, रात में जगना, पूरे फैमिली को पूरा इसके जो करना, एफआईआर नहीं होना, उसके बाद मैं अभी कैरेक्टर और इसके ऊपर तो आऊंगी नहीं, वो तो आई थिंक ऑल वुमन एक्टिविस्ट नो हाउ द ट्रैजेक्टरी गो, वी ऑल आर वेरी फैमिलियर, वो तो छोड़ ही दीजिए, कास्ट तो रेप तो एक हॉरेंडियस ये है, परंतु बाकी सभी चीजों में भी हम तो कैरेक्टरलेस और औरतें है ही, मुझे जो रास्ते पे आती है वो वैसे ही कैरेक्टरलेस है, उसमें पुष्पा लोभना शोभा जी सब है, हमारा मुझे जो लड़ती है औरतों के लिए जो घर से बाहर आ रही है तो वो तो शेबलेस है, तो वो तो एक ट्रैजेक्टरी तो अपेक्षित है और वो हमेशा की पुरानी घिसीपिटी ट्रैजेक्टरी है जिसके खिलाफ हम लगातार सालों से लड़ते आए हैं, पर इस समय इन्होंने जो द वे दे हैव प्लेड द कास्ट, यू नो, सो आई थिंक एंड दैट्स व्हाई इट एक्चुअली रियली मैटर्स टू मी दैट हाउ यू प्रोजेक्ट इट आल्सो, यू नो, कि हमारा क्या कहना है कि इन्होंने एक तरफ कास्ट डिनाई किया है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हुई वो वाल्मीकि का होने के कारण नहीं हुई, इसमें कोई पावर प्ले नहीं है, न कास्ट का, न क्लास का, न पूरे गांव में सिर्फ 5 घर है उसके या बाकी ठाकुरों के घर है उसके डोमिनेंस का, क्योंकि राम राज्य में तो सब समान है और सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, तो एक बात में डिना है, पर एट द सेम टाइम दे आर अपोजिंग, उन्होंने जो पूरा माहौल बना दिया है ये कहा है कि हमारे डेवलपमेंट में जिसमें हमने सबके साथ अच्छा व्यवहार करके सबको ऊपर किया है उसमें जानबूझ के कास्ट राइट्स ट्रिगर किए जा रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज द ट्रैजेक्टरी एंड दैट व्हाई आई थिंक वो दबाएंगे ही, और अभी तो मुझे हम लोगों ने जब ये चालू हुआ और जो एडीजी प्रशांत मुझे मालूम नहीं वेदर द अदर पीपल नो दिस सेम एडीजी 2 years बैक व्हेन अजय बिस की सरकार आई थी, हमारा एक बहुत बड़ा ये है पूरा यू नो पूरा कवड़िया का एक फेस्टिवल चलता है वो वहाँ पे आई कैन पुट ऑन द वीडियोज बट यू वोंट बी एबल टू, आई एम नॉट एक्चुअली फेसिंग द लाइट जो सो आई होप टू सी मी एनी वे पर्सन देन, सो मुझे लगता है कि वो That's yeah good. So anyway, fine. मैं ये करे वेट होता है हाँ सो आई यू नो वो जो पूरी ट्रैजेक्टरी इन्होंने जो बिल्ड की है और खास करके ये पूरा जो जो एडीजी की सरकार में बता रही थी एडीजी प्रशांत कुमार के बारे में व्हेन दे स्टार्टेड इट आई मीन 7 days बैक व्हेन आफ्टर द फॉरेंसिक रिपोर्ट ही गेव अ स्टेटमेंट दैट कि स्पर्म नहीं मिला वो भूल भी चुके हैं शायद कि उनको नया कानून आया है पढ़ते पढ़ते है नहीं मसूरी में जो पढ़ाया था वही पढ़ के आए हैं कि रेप के कानून में 375 में ये था कि
स्पर्म का ये होना चाहिए और कोई साइंटिफिक का ये भी बात नहीं, 11 दिन के बाद करो, दे हैव फॉरगॉटन कि भारत के इसमें रेप की पूरी परिभाषा बदली हुई है और वो महिलाओं ने बहुत लड़ाई करके वर्मा कमीशन के बाद का पूरा जो लड़ाई होके जो कानून में बदलाव हुआ है, इवन अटेम्प्ट होना, पेनिट्रेशन का अटेम्प्ट होना भी रेप ही माना जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ये भी वो शायद वो नहीं जानते, उसके लिए स्पर्म का होना कोई जरूरी नहीं है। पर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 2 साल पहले कांवरिया के उस पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से हेलीकॉप्टर लेके फूल बरसाए थे when they were passing. So these are the, this is the apparatus which is completely chatau, जो भी यादव इसकी सरकार कहे, वो डरपोक ही नहीं है, वो पूरी तरीके से दक्षिणपंथी पूरा राइट विंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। डराऊ होता है, डर होता है, तो समझ में आता है कि आप पॉलिटिकल बॉसेस से डरते हो क्योंकि आपके साथ अलग अलग प्रकार के, खाली पोस्टिंग की बात नहीं, आपके ऊपर आरोप डाल के आपको पूरा बाहर निकाला जा सकता है, आपका एनकाउंटर भी हुआ जा सकता है बहुत ज्यादा लड़ोगे तो, वो हम जानते हैं। पर दिस इज नॉट, दे एक्चुअली बिलीव दिस, सम ऑफ दिस एडीजी एंड सम ऑफ देम एक्चुअली बिलीव दोज आर देयर वैल्यूज विच आर द राइट विंग वैल्यूज। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कैरेक्टर्स का पूरा किया, पर दिस इज द इंटरेस्टिंग प्लेस। सो वो तो मुझे लगता है ये तो करेंगे ही, वो तो दबाएंगे, तो वो काज भी करेंगे। और ये हमने 5-6 दिन पहले जब ये स्टेटमेंट दिया, सम ऑफ अस फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग इट एंड वी सेड दैट दिस इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स ऑनर किलिंग बिकॉज द गर्ल इज डाइड, there is a murder, whether there is a rape or sexual assault or not, whether they are able to prove or not, but ek vyakti mar gayi hai, mari hai aur murder hai, usne aatmahatya nahi ki hai, to uska matlab kisi ko to marna hi hoga kyunki kisi ko to phansi jana hi padega, to ab ye kahani idhar iska koi boyfriend dhunda jayega ya ye honor killing ki case hogi aur bhai aur maa ke upar aayegi. We thought this vice get back and that where we can see the trajectory moving right now. And हमें ये मालूम है कि exactly वही पे जाएगा। तो I think these are the few things I will, I think I'll come back whenever, I think I'm talking too much, let other people talk and then I'll come back whenever. लुबना जी, आप कुछ बोलना या पूछना चाहेंगे अरुंधति से, या you, your response? Yeah, hello everybody, good evening. Am I audible? Yeah, clearly. No, yeah, thank you. Because thanks. I don't have the headphones today. No. So thanks to Joe and Arundhati for joining us here, and for Joe for having visited there to that place. See, अभी एक नया development जो India में हुआ है, उसके बारे में Joe और Arundhati जी का we want to know. देखिए, Friday के दिन the Ministry of Home Affairs has come up with a circular to the entire India, all the states. I think Joe knows about it. तो उसमें वेरी क्लियरली अभी जो अरुंधति पॉइंट निकाल रहे थे कि नहीं अभी वो तो कोई मर्डर होगा, नहीं अरुंधति, अभी फ्राइडे का जो हुआ है एविडेंशियल, उसकी हाईलाइट क्या है, उसकी एविडेंसेस एक्ट के नीचे जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको रिट्रेट करते हुए ये बोला गया कि डाइंग डिक्लेरेशन विथ और विदाउट ए मजिस्ट्रेट इज 100% वैलिड। तो अभी डाइंग डिक्लेरेशन का जो वो 4 लोगों का उन्होंने वो जो रेप का जो एक्यूजेशन डाला है, इट होल्ड्स स्ट्रॉन्ग 100%। सो व्हाई? बिकॉज़ द डाइंग डिक्लेरेशन हैज बीन कंसीडर्ड, सो नाउ इट इज अ रेप अंडर द सर्कुलर एंड अंडर ऑल दोस प्रीवियस ऑर्डर्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड द एविडेंसेस एक्ट इटसेल्फ, इट इज नाउ अ रेप एंड इट इज अ मर्डर। सो नाउ अनदर वन पॉइंट इज दैट दे हैव क्लियरली टोल्ड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट इफ दे फाइंड एनी ऑफ द ऑफिसर्स not complying with these instructions, then it has got to be very severe. A severe stringent punishment has to be done. I am not telling that that is a very conclusive thing. For me, every rule has to be laid with a penalty and with telling that what if somebody is not doing that thing, you know, it has to be, the loop has to be closed. I don't find a loop closed here, but it's very, very strong, quoting the Supreme Court order and the Evidences Act. So now the officers who did all those things that have happened, putting India into not about shame, but into unending grief, where we're not seeing the light at the end of the tunnel. That's the griefiest point, you know. So I think this circular is very important and we must take and slap this same circular which has come from the ruling government. And that is again based on the Supreme Court orders. So how do Joe and Arundhati look at this is what I want to ask. Will let go, because
you just see circulars and circulars. Happening in UP, there can be very circulars. Mujhe malum hai, I know there is a circular. I also know, I didn't say there is no murder. I never said that. I said murder ko aap kaise rakhte hai, that is the issue. There is obviously murder. So somebody has to go. Yeah. So wo aap dekhenge ye circular ke abhi ki baat nahi. Ye jab 2013 mein jab kanun batla hai, ye circular wapas nikala gaya hai. Usme already rules laid down kiye gaye the. कि रेप लॉज को कैसे ट्रीट करना है, रेप के डेफिनेशन क्या है, ये पूरे रूल्स लेट डाउन किए गए थे. उसका कभी फॉलोअप नहीं हुआ है. और आज भी मेरा तो बहुत अभी फिलहाल एंड जो माइट एग्री वी बोथ कम फ्रॉम अ मूवमेंट, सेम मूवमेंट, जहां पे हमने हम अपने आप को कोर्ट अफेक्टेड पर्सन करते हैं कहते हैं. सो वी हैव सीन हाउ द, अब मुझे मेरे लिए बड़ा सवाल है कि हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 दिन का टाइम क्यों दिया. कल फैमिली को पेश किया जाएगा हाईकोर्ट में बेंच के सामने. अभी सरकार यहाँ बैठी है, कोर्ट यहाँ बैठा है. कोर्ट ने क्यों नहीं तुरंत तलब किया, क्यों 10 दिन का टाइम दिया, कौन सी स्टोरीज बिल्डअप करने के लिए. सो आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज. सो आई अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट माय ट्रस्ट इन द प्रेजेंट जुडिशियरी. वी ऑल डू गो टू जुडिशियरी बिकॉज देर इज नो वे. बिकॉज अभी भी लगता है कि, और भारत में आज भी, एंड आई थिंक वेन प्रशांत एंड ऑल हम सब लोग लड़े, इसलिए लड़े कि अभी भी जुडिशियरी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि अभी भारत में कहीं भी लड़ाई होती है तो लोग एक दूसरे को कहते हैं तेरे को कोर्ट में देखेंगे. पर एट द मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो, आई एम नोइंग द ट्रेजेडी, आई होप कि वो जस्टिस मिले. तो वो डाइंग डिक्लेरेशन है, वो आज की बात नहीं है, दैट इज देयर. बट वो डाइंग डिक्लेरेशन को कितना माना जाएगा, कितना रखा जाएगा, हाउ द कोर्ट टेक्स इट, आपको इविडेंस क्या लाएंगे. वी कंप्लीटली नो द डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी टेकन. आपको और रेप के लिए तो बहुत सारा सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी है, बाकी बहुत सारी चीजें है. बट वी हैव अ फीलिंग दैट दे विल फाइनली, लेट्स होप कि दिस गर्ल एंड द फैमिली गेट द जस्टिस. बट आई रियली रियली ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि बहुत विडंबना हो चुकी है. और इससे ये पूरे जो सवाल उठाए हैं कास्ट के ऊपर, वॉयलेंस के ऊपर, के ये पकड़ना कि ये पावर प्ले, तो मुझे लगता है वो अपने आप में है. मे बी जो कैन यू नो, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी इजी कि अजय इसकी सरकार इतने आसानी से, और जो उनके ही राइट हाथ वहाँ पे बैठा हुआ है सेंट्रल में, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो झुक चुका है और हाई कोर्ट्स भी, मुझे बहुत अपेक्षा नहीं है हाउ द थिंग इज गोइंग टू टेक टेन. लेट्स होप शायद कभी मिलेगा भी. खैरालान जी का इला अभी तक जस्टिस हम मांगते ही बैठ गए हैं. ऑल दिस वर देयर यू नो, पर वो ये एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स एक्चुअली ये हाथरस की घटना एंड चर डेट हैपन एग्जैक्टली आफ्टर 14 ईयर्स अबाउट आफ्टर खैरालान जी, सेम डेट सेप्टेम्बर 29th. तो सुरेखा भूत मांगे के तो शायद उस प्रकार का ये नहीं मिला जिसको कास्ट को ही निकाला गया. यहाँ पे भी क्या होता है ये देखना होगा. और शायद एज आई एम सेइंग इन फैक्ट, समबडी विल बी पनिश फॉर द मर्डर, समबडी विल बी पनिश. वी हैव टू सी हु इज गोइंग टू बी पनिश, बिकॉज लड़की तो मर गई है, हर का डाइंग डिक्लेरेशन है, अब वो रेप है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप दिखाई जाएगी, इज अ क्वेश्चन. You know, कि वो ये सब बातें आएगी. There is already a proof of building की phone call थे, ये थे. So I'm just bringing, I will like to inquire rather than going on the, you know, nitty-gritties of the case. क्योंकि वो तो बहुत develop करेंगे. आप ये बताइए कि आज जाके बजे, आज कल कोर्ट में केस आ रही है और फैमिली को वहां बुलाया गया है, कल शाम को जाके सीबीआई को नोटिफिकेशन दिया गया, पर बिफोर दैट दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट कि हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं नोटिफिकेशन दिया. नोटिफिकेशन हैज टू बी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी. तो कल शाम तक किसका इंतजार था, एक लेटर का सीबीआई को जाने का. व्हाट वर दे वेटिंग फॉर, एंड दे वर सेइंग जब तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो तब तक एसआईटी हमारी जांच कर रही है. सो दिस आर ऑल यू नो, सो दिस नॉट गोइंग टू बी द इजी थिंग बिकॉज दिस इज द मेजर, इट हैज टेकन द कंट्री. और बहुत सारे लोग जो मानते हैं और अजय भी इसकी सरकार से लेके मोदी जी की चुप्पी को भी चुप बैठते हैं, दे आर ऑल्सो अंदर तो शर्म रहे हैं. सो इसलिए ये केस तो बहुत इस प्रकार से सरकार के लिए भी बहुत मायने रखती है. यू नो कि हाउ दे आर गोइंग टू, बिकॉज दे हैव टू कम अप ऑन दैट, दे आर नॉट गोइंग टू बी अकाउंटेबल, बिकॉज दैट विल रियली रियली क्वेश्चन अजय बिस जो नेक्स्ट लाइन में है पीएम. It's not going to be easy, you know, कि वो मंजूर कर लेंगे कि गलती हो गई. It's not going to be easy. Let's see how the trajectory works. जो को बोल.
हाँ एक सेकेंड लुबना, एक सेकेंड। हाँ मैं एक्चुअली वीना को वेलकम करना, स्वागत करना चाहती हूँ, उनका थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। वीना आप अपना वीडियो एक मिनट के लिए ऑन कर सकते हैं, माफ कीजिए एक्चुअली नो जो बोल रहे थे साथी। हाँ वीना एक बहुत जान पहचान की दलित ट्रांस वुमन है जो नेशनल और रीजनल लेवल पे भी बहुत प्रकार के ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म में हैं, और साउथ इंडिया में फर्स्ट ट्रांस पर्सन थी जो एक कोई भी इलेक्शन में ये कैंडिडेट थे। वो एक्चुअली बीबीएमपी बैंगलोर का म्यूनिसिपल इलेक्शंस लड़ी थी। वो एक परफॉर्मर है, राइटर है, और उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया इधर बैंगलोर में, क्योंकि आप इस अभी भी लॉकडाउन के वजह या लॉकडाउन छूट गया है कुछ जगह पे, लेकिन प्रोटेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालत में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ये किया था। वीना को अभी हम थोड़ा बोलने देंगे या जो बोलेंगे? हिंदी में बात करेंगे तो इजी होगा, नहीं तो ट्रांसलेशन में वक्त चला जाएगा। तो अरे शी अगेन गॉट ड्रॉप्ड, ठीक है। आई थिंक देन जो आप गए थे फैमिली को मिलने, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो अच्छा होगा। I'll take a step back and will kind of share some of, I think Veena is... Veena is back. Achha. Veena, bolenge ki protest mein kya hua, kaise log react kar rahe the, aur aap to bahut saalon ke se bahut saare human rights activism mein aap kaam kiya aur karte rahe hain, to aap zara aapka experience aur view share karenge. जो आप बात करना शुरू कीजिए, ओके। आई एम एक्चुअली स्विचिंग ऑफ माई वीडियो जस्ट टू यू नो एंश्योर दैट एवरीबडीज बैंडविड्थ इज सेव। आप बात करना शुरू कीजिए, व्हेन वी सी हर ऑडियो ऑन देन वी कैन आस्क। ओके थैंक यू सो मच, ठीक है। श्योर। Anyway, I'll just kind of have some brief observations on our visit there. I mean, I don't think this group, such a small group, would have any much difference of opinion on this issue. A few things which really kind of struck me was that while death penalty is promoted as a deterrent to heinous crimes like this, also, I mean, we hear about this in all protest asking for death penalty for rapists and everything. We heard it even in Jandar Mandir on 2nd August when we had this big protest there. I mean, the family had only a cry for justice. I mean, they were not asking for any vengeance. There was not at all any sense of vengeance or anything, but they just wanted to kind of have justice. In their own words, they said that so that this doesn't happen to anyone else. Which was very moving to kind of hear from the family itself, where we usually kind of associate all this vengeance and kill them and hang them and all these kind of things from outside. The second thing is with hundreds of police, right from blocking entry to the village to spread at different points on the way to the village and camping in the village, taking names and phone numbers of every visitor more than two times at different points, and the family under the constant watch of all these policemen and police women, as well as CCTV cameras. I mean, here, for all reasons, the protectors are the oppressors. While the justification is protection to the family, which is required in one way in a village like that, where the upper class families are outnumbering the Dalit families in large numbers, the real intention is anybody's guess. I mean, reasons are also, reasons for the skepticism is also very clear. We already said about it. Changing narrative that the upper caste accused and their families and a section of the media is promoting with the
connivance of the police. We already heard about, we already mentioned about the police officer kind of giving irresponsible statements despite whatever the girl had to kind of go through. What was even more disturbing was to kind of see a few jeeps full of upper caste men. I mean, huge jeeps. What is it called? The huge ones, truck-like jeeps, full of upper caste men under the banner of Akhil Bharatiya Kshatriya Mahasabha, with the turbans and everything. Not even the, like they are just kind of walking in. They are with all their attires coming down to show the solidarity with the accused and their families. The dominance, the arrogance, and a sense of impunity of these upper caste men were all evident from their visit and posturing, with posters pasted on their jeeps announcing the intent of their visit. I mean, despite the national uproar on this criminal incident. I mean, if this can happen despite this uproar, I mean, it was anybody's guess that what could happen otherwise. I mean, what kind of a dominance are these kind of people do? I mean, we all know, I mean, this is nothing to kind of disassociate with. I mean, the atrocities on Dalit, women, Muslims, these are all kind of related, and it was very clear there. I mean, it was kind of reiterating myself that cemented by our caste, gender, and religious biases, exploited, I mean, these biases being exploited by the ruling class, which paves way for large-scale violence against these sections. I mean, that sense of impunity is something which really kind of struck very hard. Arundhati was also saying about this is not an exception. We all know about it. UP, we heard that 5,600 rape cases are pending in different courts. In most of these cases, evidences are destroyed. Witnesses turned hostile, and victims, if they are lucky to survive the assault, intimidated and further tortured, that these cases fall apart. Setting the accused free, sending in a clear message that nothing will happen to you even if you rape and kill someone. That sense of impunity, I mean, is what which emboldens the perpetrators, and which was very clear from this Kshatriya Mahasabha visit. At the same time, it was quite heartening to kind of see the family bold and determined to seek justice despite all odds. They know for sure that the media will move on to another story, and the police will leave as soon as the media stop covering this. And their fate then in that village will depend upon how fast the wheels of justice will turn. I mean, Arundhati was saying that tomorrow they are going to be kind of produced in the court. How fast the court will kind of understand the seriousness of the issue and will take some stern actions to send a strong message would probably determine the fate of this family in that village in the coming days. Support pouring in from different parts of the country is really heartening. There were a lot of people there. We all know how any kind of protest was brutally crushed. Journalists were kind of booked under draconian laws. Activists painted as ones with Maoist links and all those things. And the ones who are going now is intimidated with all tricks in the book. I mean, I think that needs to be encouraged, because going there now is not just to join the family in grief and just an expression of solidarity with them, but it's also an assertion of our own right to protest, our own refusal to kind of cow down before the intimidating tactics, and to state that we will speak up. I think I'll stop here. I just wanted to kind of share this few perceptions that I gathered during the visit. लुबना आप म्यूट पे बोल रहे हैं ऑडियो लगा दीजिए या सॉरी जो हम ये पूछा जो आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी फॉर जनरल पीपल से हां जी या थोड़ा बहुत बोल सकते हैं बट आई कांट काइंड ऑफ बहुत सारा हिंदी में बोलना मुश्किल है नहीं ठीक है कोई बात नहीं हम अनुवाद कर सकते हैं नहीं नहीं हिंदी में कोशिश कर सकता हूं अच्छा ठीक है तो मैं क्या पूछ रही थी आपसे कि अभी आप लोग तो वहां पर चश्मदीद आप पूरा देख के आए हैं आपकी फीलिंग्स तो और स्ट्रांग भी होंगे तो मैं बस इतना ही पूछना चाह रही हूँ कि स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस एट दिस टाइम व्हेन द इंस्टीट्यूशंस आर देयर एब यू नो दैट इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग टू सो व्हाई आई ब्रॉट दिस व्हाई आई वांट टू यूज दिस हैमर ऑफ दिस
सेवेंथ अभी का जो सर्कुलर है, फ्राइडे को जो सर्कुलर निकला था उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 2 months के अंदर हो जाना चाहिए. दैट इज वन मोर क्रिटिकल पॉइंट फॉर अस. एंड यूपी का जो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट बोल दिया कि ये बल्कि बिल्कुल बलात्कार नहीं है, और तो उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अगेन इट इज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दिस सर्कुलर इज टोटली ऑन द फ्लाइंग ऑन द फेस ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट टोल्ड. So how, what are you people planning to, use this circular again and then push it on and put some petitions or applications or representations as, you having visited there or from NAPM or what your session, SPA should do that. What are your things in this term? Because we have to ensure because the government is totally on the wrong footing now. So how do you... best to use the situation? I mean, I think it's very unfortunate that between the court, whether it's Supreme Court or institutions like CBI, it's all kind of compromised. I mean, we all know about it. They're all kind of caged institutions. I mean, that's why, I mean, even the statement which Medaji was issuing, I mean, she was not kind of asking for a CBI or a court monitored process, but was asking for a judicial inquiry with a judge as consent of the family as well. That probably is the best that we can ask under the circumstances. Restoring this institution's credibility, at least to some extent, probably is a long time struggle. I mean, we all need to kind of do that. There is no if or buts about it. There is no, but I don't think that using this case particularly to kind of take it to these institutions would only kind of discredit the family and put them in more distress. Rather, we may need to kind of find some ways to kind of demand something remotely at least is viable and possible under the circumstances. That's what I guess is general observation. I was just watching. Veena, aap sun sakte hain meri baat, to aap आपका ऑडियो ऑन करके आप बोल सकते हैं कि इधर बैंगलोर में जब प्रोटेस्ट हुआ क्या बोल रहे थे, और आप प्रोटेस्ट में गए, शायद को ऑर्गेनाइज भी किया, तो प्रोटेस्ट में बहुत लोग आए थे. आई थिंक बहुत दिन बाद, बड़े बहुत महीने बाद एक पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ बैंगलोर में. तो लोगों का क्या बोलना था, और मतलब मुश्किल हुआ क्या उधर इकट्ठा होना, और कोई पुलिस या कुछ कोई रोक रहे थे? क्योंकि एक बात है कि सदर्न स्टेट्स में बीजेपी कर्नाटका में इन पावर है, गवर्नमेंट है उनका. तो आप वीना बोल सकते हैं क्या हो रहा है, उनका कनेक्टिविटी तो प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है. अच्छा लुबना, आपसे मैं जब भी वीना का ऑडियो वो आएगा वो बात करेंगी. लुबना, मैं आप कुछ बोलने वाले थे इसके पहले. हाँ वीना, वीना हाँ हाँ वीना बोलिए. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. Hello. Bobby, नहीं तो is there any other way of catching her in? Hi, Pushpa. हाँ बोलिए 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 वीना. Hello, hello. हाँ हाँ सुनाई दे रहा है वीना, आप बोलिए. वीना गए. ठीक है. The continuity is gone. We have Srinivasan ji with us. Okay. He is, can you please introduce him, Rupna? Yeah, he's from Kerala. Srinivasan ji. Are you there, Srinivasan ji? No, even his audio isn't around. So, theek hai. Look, haan. Okay. So okay. Arundhati ji, aap hai? Yeah, she's back. हाँ नहीं नहीं, बट अंटिल वीनस ऑडियो इज लाइव आई कांट आस्क, शी कांट स्पीक. तो हाँ या सी व्हाट आई एम टेलिंग यू नो दैट सी व्हाट वी ऑब्जर्व रिसेंटली, आई नो दैट इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्रोमाइज नाउ,
But what we observed recently in the case of Prashant Bhushan, we have to compel them. That compelling will come out of the sheer numbers that approach them. When EIA Environment Impact Assessment 2020, jab millions ja chuke the, they were compelled. They could not, finalize the draft. You know? So when Prashant Bhushan ki case utni evidently, you know, he didn't compromise, the judge had to back down by just putting 1 rupee. And we are recently seeing the Supreme Court is a bit, active. So, you know what? We have to compel. That is the only thing we can do in democracy. Our numbers who are coming on the streets should also compel the institutions, because ultimately what can dismantle the that UP chief minister ka naam Ajay Bist. So Ajay Bist ki government ko niche gira sakne ki praja to roadon pe nahi aa sakti kyunki wahan par dominant military jaisi police hai, but aisi institutions se hi to unko nikalna hai bhi, because he himself is facing the cases and he ordered his chief secretary and the other institutions to remove all the cases because he's accused number one and he's not even an elected person. So all these things, somebody should be repeatedly going to the court and approaching the court and getting the orders from there. It should be a continuous process, because that is a very hyperactive and proactive anti-constitutional things that his tenure there itself is highly questionable. So IC Times, I think we have to repeatedly keep the institutions in loop and keep on pursuing them so that they are compelled to give their justice, right statements, the justice, the orders, right orders. We have to do that. That is what is about democracy, and that's what is about being non-violent and being patient and being with the constitution. That's all. That is what it is. That's what I feel, that when people have questioned me about CANC also, I told them how many thousands have gone, have 1,000 applications gone from Hyderabad to the High Court telling that we don't want CANC, NRC and NPR, it's wrong. No, we didn't go. I want to see if 1 lakh applications have gone to the Supreme Court, because even a letter, a postcard will do. Have 1 lakh applications from India gone to the Supreme Court's threshold, that what's happening in UP? We want answers. Why petrol? Now we got a very good evidence from Telegraph. One journalist by name, I think some Rajkumar, he has stood, I don't want to get the name wrong, but one journalist, he has stood by his video clipping wherein he daringly mobile pe pura chada liya uno ki plain clothes and in uniform policemen have actually emptied a can on the pyre which is formed from log and some cow dung, and they lit the fire. So there is every evidence that the family was not there, and the actually police did everything, which is again opposite to the statement given in the Supreme Court. And the journalists said that family was not there. They have accepted family was not there. They have given their reason, but they have accepted the family is not there. No, rituals ki baat hai. According to the rituals bole, rituals nahi hue wahan par. This mobile is clipping is important from the Telegraph, because the journalist is standing by it and he is telling, and the mobile shows very, very clearly, because he shot it very daringly, that no ritual took place. They wanted to apply some turmeric, give some dignity in the way they wanted to, but nothing was allowed. And what about that can, the petrol being burned? It was burnt. It was not a funeral pyre. It was a burning that happened. So, more and more evidences are coming. So I think that 1 lakh, it's my challenge to people like us. Ki kya hum 1 lakh applications bhej paye, not to change.org. I'm telling 1 lakh by post, by email. Gaye kya? Veena is back. Haan, Veena? Actually, ye jo, abhi Veena, jabhi aap baat kar sakte hain, beech mein boliye. लेकिन लुबना ये तो अटल बात है कि हम ऐसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि एक्चुअली जब हम सेक्शन 377 के खिलाफ लड़ रहे थे, हाँ, विच वॉज डिक्रिमिनलाइजिंग एनी काइंड ऑफ सो कॉल्ड
and what they call it, no, sex against the sex, sorry, sexual relationships against the order of nature. Ha, usko to matlab basically criminalizing, you know, what they call unnatural sex. So actually, and 377 was a colonial law about that. So many of us participated in postcard campaigns, and where actually, I think to an extent that just to save time and everything, humne postcards print kiya bahut sare languages mein, aur usme actually the families of gay people, families of trans people, unhone sign karke post kiya. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इमीडिएटली 377 ओवरटर्न हुआ, लेकिन पीपल नोटिस्ड इट. हाँ, और हम एक्चुअली बैंगलोर में जब किए थे, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे पार्क में, पब्लिक पार्क में, दिखाने के लिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, इतने सारे पोस्टकार्ड्स जमा हुए हैं करके. ठीक है, लेकिन इन रियालिटी दूसरी द मोर डोमिनेंट जो और रेगुलरली जो होता है, जैसे हम, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी कर्नाटका में बीजेपी सरकार है, और वेरी रिसेंटली मे बी अ वीक और टू अगो कि येडियुरप्पा जो हमारा चीफ मिनिस्टर है फॉर द एंथ टाइम, उसका आई थिंक बड़ा बेटा और समथिंग, उसने बहुत सारा बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, सम एम्बेजलिंग ऑफ आई करोड़, उनके मामले में तो हंड्रेड ऑफ करोड़ ही होंगे. हाँ, ऑर्डर ऑफ दैट. And the Kannada channel, which very bravely reported that live, okay, believe me, the whole channel ko people barged into it, and they made them shut the office, and over 150 or 250 people lost their jobs instantaneously. Okay, this is the kind. ये ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम दबाव में रहें या डर में रहें, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है स्पेशली, या राइट विंग सरकार है, जहां पे वो उन्होंने पीआर एजेंसी को लेके बार बार डिनाइल कर रहे हैं, और इधर तो ऐसा हुआ है इन अ करप्शन दिस थिंग. ओके, तो इट इज पॉसिबल दैट सो मेनी मोर यू नो रिपोर्ट्स और व्हाट इज द केसेस ऑफ ऑब्वियसली यू नो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, एनी काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस और कास्ट एंड जेंडर, तो ऐसा ही दबाया जाएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हम चुप रहें या ऐसा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है, जैसे ना जो भाई बोल रहे थे कि उधर क्षत्रिय महासभा के लोग ट्रक्स में आए या ट्रक्स जैसे व्हीकल्स में आए, कि वो जो ठाकुर लोग हैं, जो जो अलेजेड रेपिस्ट हैं, और why to keep saying alleged, जो rapists हैं, उनको support दिखाने के लिए, openly demonstrate करने के लिए वो आए, तो मतलब ये हमें ये हालत. हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो fast track courts 2013 में supposedly on a war footing setup किए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है शायद मेरे हिसाब से. हाँ, जो वीना आप audio on करके आप कोशिश कर सकते हैं, जब भी आप बात कर सकते हैं बात करना शुरू कीजिए. लेकिन ये और एक मुद्दा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या हो रहा है, मतलब ना अगर और आर दे इवन फंक्शनल है क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कहीं पे भी, कोई भी स्टेट में. अरुंधति, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? I really don't know where the discussion is. Yeah, fast track courts put jagah pe hai, but they are not really fast enough. हाँ, वो भी हाँ, so वो है, और जो उनको वहाँ पे भेजना है, the cases where they only they send it. There are some, you know, where they want to, you know, I know कि जैसे हमारे यहाँ बलरामपुर में भी अभी एक केस हुई है, same after 2 days after the Hathras case, where a girl was in a relationship and she was raped, gang rape and murdered, and the accused are all Muslim. तो वो बहुत fast track में चला गया already. Accused the name sent, it's already sent to the fast track. So and it's true, I mean, it's not a false case against the accused. They were relationship with the girl was Dalit,
and there was a relationship, and but there was a gag rape. So even in the consent is a, you know, I mean, the court also doesn't get the consent also. So they will keep saying there was a relationship. Yeah, there was a relationship, but still there was a rape. Yeah. But it went into fast track because the accused were immediately nabbed and they all are Muslims. So there are fast track courts functioning in some places which are really not fast enough, and I think it depends case to case. I will just like to respond to jo Lubna bol rahi thi. Main mujhe lagta hai bahut ki bahut discussion thoda gol gol ja raha hai. I will also like to listen to Veena, but I think Pushpa is very difficult for Veena to speak in Hindi, yeah, knowing her. No, speaking in Hindi, she can speak. The problem is her connectivity. Haan, anyway, no, I, as far as I know, because she came for a consultation also in Lucknow, so I know. Main khali Lubna ke baat ka respond karna cha rahi thi. I think there are different ways to fighting it out. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जुडिशियरी और इंस्टीट्यूशंस का अकाउंटेबल नहीं रखना चाहिए, वो साथ साथ में चलना चाहिए, पर आई थिंक जिनको वो करना है उनको वो करना चाहिए. इट्स ऑल द वे फाइनली वी ऑल आर फाइटिंग इट इन डिफरेंट वे. फॉर अ पर्सन लाइक मी, मैं इसके ऊपर विश्वास रखती हूँ कि हम लोगों के बीच में जाए, इसकी बात करें, और जितनी जल्दी से जल्दी इस प्रकार के मुद्दे उठे कि ताकि इस प्रकार के पूरे इश्यूज को ही सवाल उठाया जाए, सरकार ये कर ही ना पाए. तो इस प्रकार के हम तो सरकार पलटने में ज्यादा विश्वास रखेंगे विदाउट डूइंग द पॉलिटिकल पार्टी आल्सो. तो मैं अपना रास्ता अपनाऊंगी. ये नहीं कि मैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं मानती हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट कि लेटर्स डोंट मेक अ डिफरेंस, दे डू मेक अ डिफरेंस, बट आई थिंक एनर्जी कहाँ लगानी है. इतना ही एनर्जी होता है 24 घंटे का. सो वन चूजेस देयर ओन वे. फॉर मी द वे विल बी गोइंग टू द मोर एंड मोर पीपल. जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में, जहाँ ये फांसी की भी मांग उठती है, जहाँ पे वायलेंस का जगह मिलती है, जहाँ पे कास्ट वाली फीलिंग है, वहां पे ज्यादा जाए और उसको कैसे चैलेंज करे, उसको बदले. ये शायद लंबा रास्ता है, बहुत टाइम लगेगा, पर मेरे ऊपर, मेरा उस रास्ते पे ज्यादा, लोगों के संगठन पे, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा विश्वास है. आई एम नॉट एट द सेम टाइम डिनाइंग एट ऑल कि लेटर्स जुडिशियरी के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी है कि नहीं है. बिल्कुल जरूरी है, और आपने जो जितने एविडेंस लिए वो ऑलरेडी पब्लिक इसमें है, सबको पता ये हुआ है. उसमें से कुछ बातें सरकार ने शेमलेसली कबूल भी की है विद देयर ओन जस्टिफिकेशन. अब ये होता है कि कोर्ट में तो ये लंबा मामला है ना, ये कैसे चलेगा, क्या एविडेंस बेस होगा. That's what I'm saying, the trajectory has to be open. Absolutely there is thing. But is the court seeing it? Court bhi to pad rahi hai, jo aap bol rahi hai, ki unko petrol ke kyan te, koi ye iski, ye video clip sab jagah. The journalist, I mean, we spoke to the three women journalists. You know, I mean, I'm telling you the very respectable. Main naam yahan, khair itne chota group hai, lene mein harj nahi hai. India Today ke do log, Telegraph ke bhi, hume hamare ek isme jagah pe, logon ke saath baat karne ke liye, unko bulana tha. They are being clearly told by their media houses not to utter a word now. और दूसरा कि क्योंकि सब जुडिस हो गया है तो कुछ कोई वो कहाँ पे जाएगा, ये सब मामला तो होता ही है टेक्निकली. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हैं, वकील भी आ गए हैं लड़की के केस में, जिन्होंने निर्भया की केस लड़ी, वो औरत वहां पहुंची हुई है. ठाकुरों की तरफ से भी जिन्होंने निर्भया के एक्यूज को डिफेंड किया था वही वकील पहुंचा हुआ है. तो इस प्रकार के ऑलरेडी लीगल मैटर चालू हो गया. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी मूव्ड टू द कोर्ट. उसमें से कुछ पिटीशन डिसमिस भी किए गए हैं, कुछ पिटीशन डाले गए हैं, महिला संगठनों की तरफ से भी लेटर जा रहे हैं. सो दीज आर ऑल देयर, बट एट द सेम टाइम मुझे, मैं उसके ऊपर भी एंडोर्स और साइन करती हूँ, पर मैं, मुझे कोई कहेगा कि 1 लाख लोग लेटर लिखने के लिए एनर्जी लगा, मैं कहूंगी मैं 1 लाख लोगों तक अलग अलग तरीके से अपनी बात पहुंचाने में, ताकि उनका विचार बदले, वो चर्चा निकले, उनका विचार बाहर आए, ताकि उसके ऊपर हम एक पर्सपेक्टिव बनाने में करें, उसके ऊपर ज्यादा समय करूंगी. सो आई एम नॉट डिनाइंग ये इंस्टीट्यूशन और इसके ऊपर बिल्कुल करना चाहिए. तो जिसमें उनको, मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रह गया है कोर्टों के ऊपर. दैट मे बी द माय पॉलिटिकल अनुभव मेरा वो है. वो शायद बदलेगा तो बहुत खुशी के. कोर्ट कभी कभी बोल भी देते हैं गलती से. होपफुली इस कोर्ट में शर्म आए कोर्ट को और बोले, तो बोले तो बहुत ही अच्छा है. हम तो कोर्ट के, अभी अभी हमने ये नहीं कहा है कि इसलिए मैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट को हटाने की कोई भी लगता, क्योंकि वो हमारा हथियार भी है. दैट्स अवर वेपन, वन हैज टू यूज दैट आल्सो. इट्स ओनली द थिंग दैट वेयर आई विल लाइक टू पुट माय एनर्जी, आई लाइक टू पुट इन देयर, बट आई एम नॉट डिनाइंग दैट्स अ वेपन, दैट्स अ हथियार जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जितना उसमें कर सके उतना बिल्कुल करना चाहिए. इसके बारे में कोई डाउट मेरे मन में नहीं है. बट यू डू दैट, यूटिलाइज ऑल दोस थिंग्स, बट लेट्स सी. मुझे बहुत
वो भी नहीं है, वो तो ये सब देख के इन्होंने आंखें क्यों नहीं खोली है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो आंखें आपके आंखों को दिख रहा है, जो मेरे आंखों को दिख रहा है, उनको क्यों नहीं दिख रहा है? तो इट्स अ क्वेश्चन फॉर मी, यू नो, सो आई होप कि उनकी आंखें भी खुले एंड दे टेक अ नोटिस ऑफ इट. हमको हर जगह पे लटना पड़ेगा, उसमें से वो भी एक रास्ता है. दैट No, I totally agree with you. Multi-pronged approach होना चाहिए. And I am always for multi-pronged approaches on any issue, be it economics or any social issue. So let us see how, that's what I feel, that we will just shoot many, we will go to the people and also go to the institutions. It has to be a recursivity. We can't approach, hang on to just one thing, because ultimately it's about democracy and the people's views have to be just, you know, people have to want fairness. It is when people want to have fairness that the institutions will also reflect the same. I totally agree with you. So, Srinivasan ji or Veena? I'm the only one on screen. No, I said right ki because of bandwidth issues, I keep switching on the video and I don't particularly. But anyway, okay. I also agree ki definitely we should adopt all possible strategies, and then whether we like it or not, ki jurisprudence, or we can't take that into our hands, we can't matlab, you know, ignore the courts, pressurization and all that. And you know, we wouldn't have been here today if not for all the pressure that was kind of put after the Mathura case or after the Bhavari Devi case, forgetting various acts and all, things have been pretty slow. As I say, fast track courts, or as even Arundhati said, fast track courts are maybe barely functional, they don't seem fast at all. Everything is done to ensure that evidence is tampered with. Not only evidence, witnesses are threatened, family is the. Okay, so but apart from that, I don't know if we should still attempt with Veena, but Naito, there was a suggestion that we can wind up because many of the other speakers are not here or not able to join. So I think asked the questions, or you know, kind of certain important points emerged for me as an individual, and perhaps hopefully for others. I think Lubna, you also highlighted, but if there's any other questions that you want to ask, or if there any questions, Bobby, did you see online or something? Otherwise we can kind of close this. Yeah, we'll take a final word from Joan, if he's there. Yeah, I'm here, but I don't have anything more to kind of add to this. I mean, it's really, really, I mean, a sense of helplessness is more, frustration and helplessness is what is more. I mean, there is not even one institution where you can go to or hope that something will come out of it. I mean, here, nearly every institution has kind of gone into the wrong hands. So a sense of frustration and at the same time, you cannot kind of also not give a fight. I mean, of course, you need to give a fight, but how and where, and that's not particular. So I don't have anything more to kind of. Thank you. Okay. Yeah. So, Srinivasan ji? No, I don't think he's there. Okay. Pushpa? So Bobby is saying there are no questions, but there are message of support on Facebook page. Yeah, I think this actually reflects, you know, everybody's feelings broadly, or rather feelings of many, a sense of helplessness. There is outrage, there's pain. I myself, especially this whole discussion itself has been quite painful for me. Yeah, and when I heard this whole thing, though I'm not surprised, but you know, I'm like ashamed that there were so many truckloads of people actually to, you know, support. And I think this happened
even in the Bhavari Devi case, it happened in probably every particular case where the caste of the survivor, you know, which again people keep saying, why is it important? And that's why it matters. When there is this caste based gender violence or caste based atrocity, then the situation is much for worse. It's for the family and for the immediate supporters, and it's much more brazen the way, you know, the perpetrators behave, right? And I can almost visualize how the supporters are coming in Hathras. Yeah. So currently I don't have anything else to add. Yeah. I think Veena has had major connectivity issues. Mm-hmm. She's been trying hard. So Veena, finally aap try karenge ya band karenge discussion ko? Thank you. Thanks to everyone who was here. Yeah. Thanks, Bobby. I only want to tell last one point. May I push? Yeah, sure. So देखो, what is hurting is that always, you know, कठुआ के time पे भी हम लोग बहुत यहाँ पर agitations में participate कर रहे थे. See, what is happening is that always, you know, what is being chosen. निर्भय के time पे भी we were on the streets and कठुआ के time पे थे. How do we teach? At what stage do we try to? One thing, दो चीज है मालूम. Even if it is not the question of caste, जैसे हमारे पास दिशा का हुआ था हैदराबाद में, whole India famous ये फेमस हो गया था. दिशा के केस में कैस्ट बेस नहीं था, बट द अटैक वाज ऑन द वुमन इन दैट फॉर्म. तो वो पॉइंट है मेरे लिए. सी व्हाट इज बीइंग अटैक्ड ऑलवेज इन द केस ऑफ वुमन, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी. आई कॉल इट अ सेक्रेट प्लेस बिकॉज इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी. यू नो दैट इज अंडर अटैक. दैट इज द सॉरफुल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी राइट नाउ. That eat the a part, a half of the species, a particular some people, some antisocial elements, or wo jo bahut hi darinde hain, the wo log kahan attack kar rahe hain? Wo ek janm sthan pe attack kar rahe hain. Insaniyat ki janm sthan par attack ho rahi hai. This sort, where Arundhati's point was, why I took it so so I weighed it so much when she told we need to go in the people, in among the people. It is important to tell that what they are doing. समथिंग यू नो मॉरल साइंस की पीरियड होती थी हमारे व्हेन आई वाज इन सैन फ्रांसिस स्कूल. आजकल कोई स्कूल में मॉरल साइंस पीरियड नहीं है. वो लाना बहुत जरूरी है अर्जेंटली. एवरीडे मॉरल साइंस पीरियड रखो. ये बताओ हर किसी को कि जो अपनी नहीं है, वो चाहे पैसा रहो, जमीन रहो, कुछ भी रहो, औरत भी रहो, जो अपनी नहीं है ना उसको जबरदस्ती मत लो. बिकॉज आज के दिन जमीन जबरदस्ती ली जा रही है, पैसे करप्शन जबरदस्ती से दूसरों का पैसा लिया जा रहा है, उसी प्रकार औरत जो अपनी नहीं है उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश की जा रही है. सो ऑल दिस कम्स अंडर मोरल साइंसेस एथिक्स, यू नो. सो पॉइंट यहाँ पर दो चीज है. एक तो केस बेस, उसके लिए भी एथिक्स हैव टू बी कमिंग ऑन टॉप. दैट यू कांट जज ए ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ सम फैमिली एंड गिविंग एट्रीब्यूटिंग सम केस टू इट एंड सम पोजिशन इन द सोसाइटी टू इट. एंड सेकेंडली जस्ट अ पर्सन, यू कांट it push yourself on a person, and when the person is the person is not yours in the sense that there's no consent, or I mean it's no way you can actually even think of it, whether it's zameen or any person from any gender on any gender, it is not yours. Don't touch it, bhai. It is not yours. The other person has not given you the consent. So these are the things, you know, it's all about morals and ethics, and that's where we are losing out everything. I feel that we should all, when we're going into the people, education system se leke, because Sandeep ji works a lot on the education system. So everywhere this has to be touch base with, because it's not just about our dear Manisha Valmiki, it's about all the other, so many other dear girls. How do we prevent this? Never again ki attitude nahi hai government ke paas. Is the government telling you today? Pushpa, I'm assuring you, is the Prime Minister or the Home Minister of UP or India assuring you, Pushpa, we understand your grief. We will ensure that never again this will happen in India. Is anybody having this guts to assure you? In Telangana and Moinabad, TRS leader has done, he had a bonded slavery girl in his ground floor and he used her and finally said it is suicide, but it is a murder. And nobody, and the post PM report has not come out till now.
So nobody, our home minister didn't come out and tell, or DGP did not come out and tell. They are talking about technologies, about CCTV cameras, about control, command control rooms. But they're not able to assure one thing with all this technology at their disposal that, hey, look, all the women of Telangana, hereafter nothing will happen like this. Never again will something happen like this. Nobody is giving us such assurances. I want to know if they're at all thinking in those directions. These are the things also which are touching me, and I just took some time to put them here. Lubna, actually, you know, sorry if I'm continuing the discussion, but one point what you made, actually, I feel like responding. Joe, this moral science class, sometimes, you know, what will happen is it will become moralistic. I'm not trying to see a negative thing in everything, but moral science class mein moralistic bhi ho sakte hai na. Ab ladki ho to bahar mat jao is waqt mein. The problem is na, ki kiske morals? Haan, ki, I remember a couple of years back, you know, hum Vimochana office mein baith ke, that time when the Prevention of Domestic Violence Act ka dilution ho raha tha, to national level pe many people had come, and Vrinda Grover was there in that room. Wo bol rahi thi ki many times, and it is true in other states also, the High Court and Supreme Court judges, okay, actually, it's not that they don't know that domestic violence is happening or sexual harassment is happening or whatever, but many times there will be perpetrators in their own families, if not them, okay? So they behave as if, because it's often an invisible or invisibilized form of violence and harassment and abuse, na, jo gender-based hai. And sometimes even as you say, this and many times caste and religion based hai. So jab bahar nahi aati hai, to hota nahi, dikhta nahi na. So, and many times, or at least even 50%, you can say that there will be people who are bureaucrats, who are, you know, in the judiciary, senior government lawyers, jo perpetrators hain. या उनके इमीडिएट फैमिली परपेट्रेटर्स हैं और उनकी बात बाहर निकलने नहीं देते, तो इसके वजह से दे विल गो अबाउट आल्सो कि इसको डाइल्यूट करने के लिए, नहीं तो फॉल्स केस. आई मीन, मतलब जब केस बनता नहीं, जब द एविडेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड टैम्पर्ड विथ, और यू नो द विटनेसेस आर थ्रेटेंड, सेंगर के केस में क्या क्या हुआ, राइट? सो यस, वी मस्ट कंटिन्यू फाइटिंग, कि ये बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट द मोर यू नो वी सीम टू बी इनटू व्हाटएवर 21st सेंचुरी, और आई डोंट नो वेदर मेडिवल एज वाज बेटर और नाउ, बिकॉज कि जितना भी आगे जाने के, सो अनफॉर्चुनेटली दीज रियालिटीज वी आर कंटेंडिंग विथ वेरी ऑफन, or most, it's become the norm rather the exception. So that is probably why, you know, this feeling of helplessness, this whole anger and outrage and outpouring, usme kitna sara, actually finally it is, we are unable to convert it into something tangible, and unfortunately people believe in data, they believe in results. Ki kitne cases, and it's very easy for the government to shut these cases na, main matlab Supreme Court bhi kiske haathon mein hai, aisa ho gaya. So anyway, thank you all. Yeah, thanks for your patience. Thanks. Yeah, thank you.